हल्द्वानी हिंसा की आंच यूपी के बरेली तक पहुंचाई है। बरेली में मौलाना तौकीर रजा के समर्थन में उतरी भीड़ ने दुकानों में तोड़फोड़ की। सड़क पर खड़ी बाइकों पर भी पथराव किया, जिससे कई वाहन क्षतिग्रस्त हो गए। हिंसा और पथराव के बीच अब ये सवाल उठने लगा है कि आखिर इन सब के पीछे की असली वजह क्या है। हिंसा की ये आंच उत्तर प्रदेश के बरेली जिले तक भी पहुंची, लेकिन समय रहते पुलिस ने इसे काबू कर लिया। दरअसल धार्मिक गुरु मौलाना तौकीर रजा ने बीते दिनों पर्चे बंटवा कर 9 फरवरी को जेल भरो आंदोलन का ऐलान किया था। पर्चों में लिखा था, हमें ज्ञान व्यापी समेत अपनी मस्जिद, मदरसों, मजारों और मुसलमानों को लिंचिंग से बचाना है। तौकीर रजा के इस संदेश को पढ़ने के बाद शुक्रवार को नुमे की नमाज के बाद उनके समर्थक बरेली की आला हजरत मस्जिद पर इकट्ठा हो गए। यहाँ मौलाना तौकीर रजा ने मस्जिद की छत से खूब जहर उगला और हल्द्वानी हिंसा पर भी बोला। तौकीर रजा ने अपने समर्थकों के बीच कहा, अगर जुल्म ज्यादती होता रहा तो मुल्क के हालात खराब हो सकते हैं, बहुत बड़ा ब्लास्ट हो सकता है। हुकूमत को हमारा साथ देना चाहिए, अगर वो दंगा चाहती है तो हम तैयार हैं। तौकीर रजा ने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को भी निशाने पर लिया। तौकीर रजा ने कहा कि अब छोटे मेढकी भी उछलने लगे हैं। धामी के खिलाफ FIR होनी चाहिए। हल्द्वानी की घटना के लिए धामी जिम्मेदार है। खुद पुलिस प्रशासन हिंदुत्व की राह पर चल पड़ा है। धामी अंधे हो गए हैं, उन्हें पता नहीं कि वो जो करने जा रहे हैं उसका क्या नतीजा हो सकता है। मैं अपने हिंदुस्तान को हल्द्वानी नहीं बनने दूंगा। तौकीर रजा जब मस्जिद पर चढ़कर अपने समर्थकों को संबोधित कर रहे थे, तब खूब नारेबाजी हो रही थी। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज 24।